कानपुर के उद्यमियों को बांग्लादेश में चल रही क्राइसिस के कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर से देश भर में बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, लेकिन बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति के कारण वहां से नए ऑर्डर आना बंद हो गए हैं और पुराने ऑर्डर फंसे हुए हैं। हर साल भारत से बांग्लादेश को लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए के उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि कानपुर से बांग्लादेश में कई प्रोडक्ट जाते हैं, जिनमें चावल, गेहूं, फल, सब्जियां, चमड़ा और चमड़े के उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद और टेक्सटाइल उत्पाद शामिल हैं। बांग्लादेश में आई क्राइसिस के कारण इन सभी उत्पादों के ऑर्डर प्रभावित हो रहे हैं। कानपुर के उद्यमियों का कहना है कि बांग्लादेश उनके लिए एक बड़ा निर्यात केंद्र रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से निर्यात पर काफी असर पड़ा है। कई ऑर्डर वहां फंसे हुए हैं और नए ऑर्डर भी नहीं मिल रहे हैं। इससे उद्यमियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और उनकी चिंता बढ़ गई है। देखिए, कानपुर निर्यात के क्षेत्र में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। बांग्लादेश पड़ोसी देश होने के नाते कानपुर से बांग्लादेश को काफ़ी सारी वस्तुएं निर्यात होती हैं। लगभग 400 से 500 करोड़ का निर्यात सीधे तौर पर कानपुर के निर्यात है बांग्लादेश को करते हैं। बांग्लादेश में जो तनाव का माहौल उत्पन्न हुआ है, इससे हमारे निर्यातक भी भयभीत हो रहे हैं। अभी तो फिलहाल सामान जा रहे हैं, उनकी डिमांड स्लो है, वहाँ के आयातक भी वेट एंड वॉच की स्थिति में बने हुए हैं। आने वाले समय में संभावनाएं जताई जा रही है कि निर्यात भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा कई उद्यमियों के बांग्लादेश में फंसे ऑर्डर के पेमेंट भी अभी तक नहीं हो पाए हैं। इससे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। कानपुर से बांग्लादेश जाने वाले उत्पादों का निर्यात रुका हुआ है, जिससे उद्योग जगत में चिंता का माहौल है। उत्पादों की बात करें तो कानपुर से कृषि उत्पाद एग्रीकल्चर कमोडिटीज, जिसमें चावल है, गेहूँ है, प्याज है, टमाटर है, सब्जियाँ, फल है, इसके अलावा लदर, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक रिन्यूएबल्स और कुछ टेक्सटाइल, ये भी कानपुर से निर्यात किया जाता है। हमारे निर्यातकों को उनके सामान का उचित मुआवजा भुगतान मिल रहा है, लेकिन अगर स्थिति नॉर्मल नहीं हुई, इससे हमारे निर्यातक और निर्यात दोनों पर प्रभाव दिखने की संभावना जताई जा रही है। उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द ही स्थिति सुधरेगी और कानपुर के उद्यमियों को उनके फंसे हुए ऑर्डर और पेमेंट की समस्याओं का समाधान मिलेगा। तब तक व्यापारियों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। यह था कानपुर के उद्यमियों पर बांग्लादेश क्राइसिस का असर। बने रहें हमारे साथ और आगे की जानकारी के लिए अपडेट लेते रहें। लोकल 18 के लिए कानपुर से अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट।